तौहीद उलूहियत, जो कोई भी सर्वशक्तिमान अल्लाह की रुबूबियत अर्थात प्रभुता की पुष्टि करता है और मानता है कि अकेला अल्लाह ही प्रभु है, जिसकी प्रभुता में उसका कोई भागीदार नहीं है, उसके लिए अपरिहार्य हो जाता है कि वह सर्वशक्तिमान अल्लाह की उलूहियत अर्थात पूज्य होने का इकरार करे तथा बाहरी और आंतरिक हर रूप में केवल उसी की पूजा करे तथा उसके सिवा अन्य सभी पूज्यों का इनकार करे, क्योंकि पूजे जाने के योग्य वही हो सकता है जो पालनहार, निर्माता, जीविका प्रदाता, मालिक एवं व्यवस्थापक हो। और चूंकि ये सभी चीजें केवल अकेले अल्लाह के लिए हैं, अतः अनिवार्य रूप से केवल वही पूजे जाने के योग्य है। केवल अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किसी व्यक्ति को इस्लाम में प्रवेश नहीं दिला सकता है, जबकि इसके विपरीत अल्लाह की उलूहियत का इकरार चूंकि रुबूबियत की पुष्टि को भी शामिल है, अतः इसके कारण व्यक्ति इस्लाम में प्रवेश पा जाता है। मूर्ति पूजकों ने सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रभुत्व को तो स्वीकार किया, किंतु उन्होंने उसकी उलूहियत को नकारा और इसे स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि पवित्र कुरान का यह तरीका रहा है कि वह रुबूबियत वाली आयतों का उल्लेख तौहीद उलूहियत की ओर दावत देने के साथ करता है। तौहीद उलूहियत इस्लाम धर्म का मूल एवं इस्लामी शरीयत अर्थात धार्मिक विधानों का आधार है। यही वो उद्देश्य है जिसके लिए अल्लाह ने रसूल भेजे और किताबें उतारी तथा इसी के कारण स्वर्ग एवं नरक की रचना हुई। तौहीद उलूहियत इस बात की मांग करता है कि धर्म को निष्ठापूर्वक पूर्ण रूपेण अल्लाह के लिए ही आरक्षित किया जाए, उससे सम्मान एवं उपासना वाला प्रेम रखा जाए, केवल उसी की ओर समर्पित हुआ जाए, उसी पर तवक्कुल व भरोसा किया जाए, उसी की ओर झुका जाए, उसी से दुआ की जाए, उसी का भय खाया जाए एवं केवल उसी से आशा रखी जाए। इसी प्रकार से यह मांग करता है कि हम मन्नत केवल अल्लाह के लिए ही माने एवं उसी के नाम पर ज़बह करें। इसी तरह हम अपने सभी हार्दिक और शारीरिक उपासना के कार्यों को निष्ठापूर्वक अल्लाह को समर्पित करें और हम उनमें किसी अन्य को अल्लाह का साझीदार न बनाएं।